गाइस देखो कितना कोहरा है, खतरनाक वाला कोहरा लगा है। और आप क्या भी है ये कोहरा बताना मुझे। सबसे गंदा टाइम लगता है मुझे ये कोहरे वाला। देखो कैसे उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है। और ये मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड, अभी 8 बज रहे हैं, बट देखो 8 बजे भी कितना कोहरा है, कितना कोहरा है। वैसे उसके बाद तो ख़त्म हो गया था, 10 बजे धूप आ गई थी, बट लेकिन मॉर्निंग के टाइम ये बहुत ज़्यादा घना कोहरा था। और इससे पहले तो और ज़्यादा था, इस टाइम तो थोड़ा फिर भी ठीक हो गया था। बताना आप लोगों को क्या अभी चल रहा है कोहरा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका अपने चैनल हैप्पीनेस सर्विस में। गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे, और नहीं ट्यूसडे नहीं, सॉरी, आज है वेडनेसडे। ट्यूसडे को मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के ब्लॉग डालती हूँ, कभी 2 दिन का डाल देती हूँ, कभी 1 दिन का, क्योंकि मतलब अभी ये इतनी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से 1 दिन छोड़ के डालती हूँ। और कैसे हैं आप लोग बताना। और सारा काम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत कपड़े हैं। आप बोलोगे कपड़े कपड़े कपड़े, तो कपड़े थोड़ा हो ही जाते हैं ना, इतने सारे लोग, मतलब इतने 6 हैं हम, तो हो ही जाते हैं। कभी बेडशीट हो जाती कहीं भी, कभी कहीं भी। तो उस दिन में मैंने उस दिन, आज तो कम है, आज ज़्यादा नहीं है, 21 लौटे कपड़ों का। बेडशीट वगैरह भी चेंज किए, तो देखो ये है मेरी शादी की बेडशीट, और ये है शादी की रज़ाई है। तो ये रज़ाई दिखाऊँ आपको, ये रज़ाई हो चुकी है ऐसी, मतलब जो इसकी सिलाई होती है वो भी इससे पूरी निकल चुकी है। तो आज आज मैं फ्री हूँ क्योंकि आज बच्चों की क्लास नहीं है, आज वेडनेसडे, आज मतलब सिर्फ काम आता है तो मैंने खाने के बाद पढ़ाती हूँ, क्योंकि क्लास का इतना नहीं रहता, क्लास का नहीं रहता, तो मैंने दिन के बाद ही पढ़ाती हूँ। और ये सिलाई तो सोच रहे आज ये कर लूँ। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, बच्चे देख रहे हैं टीवी, कौन सा चैनल देख रहे बेटा? दिन चैक ही, दिन चैक, दिन चैक देख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना। मैं अपनी अपनी कलर देख रहा हूँ, मैं ये, हाँ ये देख रहा है। और तो मैंने बताया था ना, हाँ, कि यहाँ फ्री वाला चैनल है, भूल जाती हूँ क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ फ्री वाला चैनल है, तो एक वो आता है, एक मतलब क्या, एक चैनल आता है कार्टून का, बच्चे नहीं देखते हैं, तो अब मेरा थोड़ा शांत, तो ये देखते हैं मूवी, मतलब देख लेते हैं कभी कभार, जैसे बच्चों का मन हो अच्छा है तो वो देख रहे हैं मूवी। और वो ब्लैंकेट अभी मैं लेके आई हूँ धूप से। और ये है वो गद्दा, तो ये है वो गद्दा, वो हुए थे कपड़े जो मैंने पुराने कपड़े दिए थे ना, उन उसका ये गद्दा बना है, तो मैंने बाहर इसीलिए रखा आप लोगों को दिखाने के लिए। एक हाथ से उठा भी नहीं जाता। हाँ बहुत भारी है, जैसे होती है नॉर्मली रुई के, इसके जो कपड़ों के ना वो काली रुई बनाते हैं, मैंने दिखाया था आपको शायद उस दिन, काली रुई बनाते हैं फिर वो गद्दा बनता है। तो 10 किलो कपड़े थे, तो 10 किलो का गद्दा है ये, काफ़ी भारी है वैसे। और हमने ये रूम के लिए बनवाया क्योंकि वहाँ जो हमारा मतलब जो अंदर बेड है ना, एक वैसा है सिंगल वाला, मतलब 3x6 का है, तो वो बना है, तो उसके लिए बनाया। उसका गद्दा बिल्कुल फॉर्म वो लिया था इन्होंने, फॉर्म वाला पहले पहले, तो वो बिल्कुल बहुत मतलब बहुत पतला हो गया है, तो उस वजह से ये बनवाया। देखते हैं 5-6 साल भी अगर चल जाए तो ठीक है ना, मतलब कपड़े वेस्ट हो रहे थे तो यूज़ हो जाएंगे, तो देखते हैं कितना चलता है आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को तो पता चल ही जाए। तो फ्रेंड फिर से मेमोरी फुल हो गई थी फिर से कुछ कुछ पता नहीं मैं कहाँ पे थी कहाँ पे नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, क्या बात कर रही थी, भूल गई सब कुछ। आज बच्चों की क्लासेस नहीं है तो बाद में पढ़ाऊंगी, तो चलो मैं भूल गई मैं कहाँ पे थी, तो चलो बाद में मिलती हूँ आप लोगों मम्मी, आप कौन से दिन है? आधा ही कर पाई हूँ मैं, और अब आ गया है खाना बनाने का टाइम, हो गया तो पहले खाना बना लेती हूँ फिर उसके बाद कंटिन्यू। बेटा सुई है यहाँ पे, टूट जाएगी, तो ये देखो दिखाऊँ आपको, दिख नहीं रहा हूँ, ये ऐसे हो गया, मतलब मैंने बीच बीच से सिला, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर दिखाती हूँ आपको, आधा हो गया आधा रह गया, तो खाना बना के फिर करती हूँ। एक तो ट्राई पॉट में है सबसे पहले, ये दाल है, ये दाल मिली है, ये है उड़द की दाल और ये है अरहर की दाल, पता ही होगा आप लोगों को कि ये मिल रही है, राशन वगैरह देते हैं। तो फिर ये दाल मिली लाए हैं, ये मिली है 85 रुपये किलो, और प्रधान जो देते हैं, मतलब प्रधान नहीं, जो दुकान होती है सरकारी सस्ते गले की दुकान, हाँ वहाँ से, तो वहाँ से लाए हैं, तो ससुर जी लाए थे। और दाल बना रही हूँ आज, ये
ये ना हमारे यहाँ तो उनसे सुट्टा सुट्टा पता नहीं क्या ये बोलते हैं, और वैसे ये जो लोबिया होती है ना उसका ये वैसे ही दाल होती है ये, तो ये उसकी दाल है। तो एक दाल और चावल और रोटी जो बनानी है, सब्जी वगैरह बनाऊँगी मैं, तो सूट क्या करूँ क्योंकि क्या दिखाना है खाना ना, तो मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद। मैं बैठी हूँ बाहर पर और आपको दिखाऊँ, बाहर पर ले आई हूँ प्याज टमाटर, ये देखो प्याज में ना ये आ गए हैं, तो इनको भी मैं डाल लेती हूँ, कट करके डाल लेती हूँ, और इनका बाहर पे प्याज टमाटर कट करती हूँ, फिर जाती हूँ अंदर छौंकने। अभी टाइम तो है, आराम से बनाऊँगी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे, दाल दाल चावल बनाने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो कभी कभी जैसे लेट होता है तो मैं वैसे वैसे प्याज टमाटर भी काट लेती हूँ, वैसे वैसे छौंक भी लेती हूँ, बट सोचा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये बहुत छोटे छोटे से प्याज रह गए ना, तो इनको वो करके काटना है, और जैसे बड़ा प्याज टमाटर हो तो एकदम से कट करके छौंक लूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। देखो आपको व्यू तो वैसे आपने देख लिया, बहुत सुंदर लगता है मुझे अपने गेट का व्यू, जो ये दो है ना पेड़, हमारे सैनिक, ये हमारे सैनिक हैं। ट्राईपॉड नहीं है, सोचिए से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा, ये तो मैं ऐसे रख देती कुछ ऐसे रख देती है ना, बट क्या करूँ, खिड़की पे रखो या कहीं रखो तो ठीक से शूट होता, नीचे रख देती हूँ, नीचे रखती हूँ तो या तो सिर्फ प्याज दिखेंगे, ऊपर रखती हूँ तो सिर्फ मैं दिखूँगी, इसलिए दोनों एक साथ नहीं दिखने वाले, तो इसलिए बात भी करती हूँ आप लोगों से, बात बोलते हूँ मैं आपको कितना हंसती, इसलिए मैंने अपने चैनल का नेम नेम रखा है हैप्पीनेस सालवेज, क्योंकि मैं हंसती रहती हूँ, ऐसा नहीं है दुख भी होता है, बट कोशिश करती हूँ कि जितना मतलब फेस में स्माइल रहे वो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि क्योंकि सैड हम लोग जब सैड होते हैं कुछ होते हैं तभी हम मतलब इंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं, यूट्यूब में हो या टीवी में हो या मतलब तभी भागते हैं, देखना चाहते हैं, तो क्योंकि मैंने भी थोड़ा मतलब यूट्यूब देखना स्टार्ट ऐसे ही किया था मैंने, कि वो मतलब थोड़ा मतलब अपने माइंड को बिज़ी रखने के लिए, तो अगर हम आप लोगों के सामने ऐसे ही फेस लेके आ जाएंगे मुरझाया हुआ सा या दुख भरा सा, तो फिर मतलब आप लोग भी बोलेंगे क्या है क्या दिखाते हैं ये लोग, है ना, अगर हम स्माइल करेंगे तो आपके चेहरे पे भी स्माइल रहेगी, तो इस वजह से हमें हमेशा स्माइल करनी चाहिए, है तो मिलते आप लोगों से बात। तो फ्रेंड्स मैंने ना ग्रीन में रख दिया था वो फ़ोन, ग्रिल में रख दिया था, वहाँ से शूट कर रही थी, और देख रहे होंगे आप सामान बच्चे ने फैलाया है, मेरा छोटा वाला बेटा खेल रहा था, बोल रहा था मम्मा इसे उठाना मत। आ गई थी फ्रेंड मैं खाना बना के, और ये स्पून लेके आ गई थी रूम से, ये भी बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, किचन से सारी चमचे यहाँ लाओ, और फिर लग गई थी अपनी दिहाड़ी में फिर से अपनी दिहाड़ी में स्टार्ट। अच्छा भैया के साथ क्यों नहीं खेल रहे आप ये बताओ, अभी आप क्या बोल रहे थे तमीज से, अभी आप क्या बोले थे, बोलते मैं मुझे नहीं खेलना, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, तुम मेरी बात, क्या जाना है, अच्छा प्लेन स्कॉटलैंड, अच्छा कैटलैंड जाना है आपको, अच्छा भैया के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो आप, मैं आएगा पापा मम्मी भैया के साथ खेल क्यों नहीं रहे हो अभी आप, क्यों भैया मेरी बात नहीं मान रहा, बोलता है मम्मा वीडियो नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना वीडियो, वीडियो बनाना है, नहीं बनाना, क्यों क्यों वीडियो बनाऊं, ना नहीं बना रही वीडियो, देखो बंद है बंद है बंद है बंद है वीडियो, तो वीडियो बंद है, देखो कहाँ है, ऑन ही नहीं है, बंद है बंद, अरे मेरा उंगली आ रही है यार, बंद है वीडियो, बंद है बंद है, देखो बंद है, देखो बंद है, फ्रेंड्स खाना बन गया है और फिर से लगी हूँ, और अब मैंने ना नीचे निकाल दिया क्योंकि ऊपर मुझे ये टेंशन हो रही थी कहीं कहीं ये मतलब सुई इसमें ना एक साथ ना सिली जाए रजाई और बेडशीट, तो मैंने नीचे कर दिया है, नीचे बिछा दिया है, और नीचे सिल रही से बहुत परेशानी हो रही है, कैसे करते हैं ये लोग बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, कैसे करते हैं ये लोग ना, चलो उतना सफाई से तो नहीं है, टेढ़ी वेढ़ी लाइन जा रही है, बट थोड़ा बहुत भी होगा तो सेफ तो रहेगा ना। तो फ्रेंड्स बच चुके हैं 5 और हम पी रहे हैं अभी चाय, आज बच्चों की क्लास तो है नहीं जैसे मैंने आपको मॉर्निंग बताया था, और हम पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय, और बच्चे देख रहे हैं दोनों फ़ोन में बिजी हैं, शाम को जाना है, आराम से पियो, ये हंसते हैं, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना ये मेरे को हंसते हैं, मजाक बनाते हैं मेरी तो फिर शाम को जाना है शादी में, और वो मैं बनाऊँगी ब्लॉग बनाऊँगी, वो अगले ब्लॉग में आप देखना, और ये कंप्लीट हो चुकी है रजाई मेरी, और मैंने फोल्ड करके रख भी दी है, तो यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें, और मेरे चैनल पे जो नए आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो यहीं पे करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।